हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीति आज आपके लिए लेकर आई हूँ MSW 006 सोशल वर्क रिसर्च सॉल्व असाइनमेंट 2022-23 सेशन। स्टूडेंट, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 2022 में इग्नू में एडमिशन लिया है। इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, कम्प्लीट कर सकते हैं एंड सबमिट कर सकते हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसी के साथ स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में से अपने असाइनमेंट के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने असाइनमेंट के सॉल्व PDF एंड हैंड रिटन हार्ड कॉपी बाय करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। आप या आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई ग्रुप सॉल्व PDF एंड हैंड रिटन हार्ड कॉपी बाय करना चाहता है तो वो भी कॉन्टेक्ट नंबर पर मैसेज कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं आगे की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिन्हें आप केयरफुली रीड कर लीजिए। इसमें बताया गया है कैसे आपको अपना कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है और कैसे आपको अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। स्टूडेंट इसी के साथ अपना एनरोलमेंट नंबर, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, इनको फिल करते टाइम केयरफुल रहें, ध्यान से भरें। इसी के साथ स्टूडेंट यहाँ पर आपको सबमिशन डेट भी दी गई है, कब आपको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करना है ये यहाँ पर आपको बताया गया है। अपने सेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी सबमिशन डेट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। जनवरी सेशन के स्टूडेंट के लिए 30 सितंबर डेट है। इसी के साथ आगे स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आपके असाइनमेंट की तरफ। स्टूडेंट यह है आपका असाइनमेंट MSW 006। असाइनमेंट में क्वेश्चन देखने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी, असाइनमेंट को अच्छी तरह समझने के लिए, वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को स्किप ना करें और हो सके तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। स्टूडेंट यह है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। यहाँ आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है जिसमें आप अपना कोर्स कोड ज़रूर चेक कर लें। इसी के साथ एक बार क्वेश्चंस को भी रीड ज़रूर कर लें। स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 5 करने हैं, इसमें क्वेश्चन 5 दिए गए हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की वर्ड लिमिट 600 वर्ड है, सो क्वेश्चंस को रीड कर लें। तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन वेरियस स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस। क्वेश्चन को एक बार फिर रीड कर लें, समझ लें, एक्सप्लेन वेरियस स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस। क्वेश्चन के साथ साथ स्टूडेंट आंसर को भी कम से कम 2 बार रीड जरूर करें ताकि आपको समझ आ जाए आप क्या लिख रहे हैं। आंसर को समझने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आंसर आपको स्टेप बाय दिया गया तो आंसर को स्टेप बाय स्टेप ही लिखें। जैसे दिया गया स्टेप 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप 2, रिव्यू द लिटरेचर। थर्ड आपको दिया गया स्टेप 3, क्लेरिफाई द प्रॉब्लम। फोर्थ स्टेप दिया गया है क्लेरिफाई डिफाइन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। इसी के साथ स्टूडेंट पढ़ के लिखे आपको आंसर ज़रूर समझ आएगा। इसी के साथ स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 1 यही एंड होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट इन सोशल रिसर्च। क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट इन सोशल रिसर्च। आंसर आपको नीचे दिया गया है, आप आंसर देख सकते हैं। आंसर लिखने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। होप स्टूडेंट आपको आंसर समझ आया हो। इसी के साथ स्टूडेंट यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आंसर any 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 300 वर्ड। इसमें आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिसकी वर्ड लिमिट 300 वर्ड है पर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, ए, डिस्क्राइब ब्रीफली द डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइपोथीसिस विद एग्जाम्पल। आंसर आपको नीचे दिया गया है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ आपको हाइपोथीसिस के टाइप्स बताए गए हैं, इनको पॉइंट टू पॉइंट ही लिखें।
यहाँ आपको सिंपल हाइपोथीज के एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, इन्हें ज़रूर लिखें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन को फिर से रीड कर लें, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। आंसर नीचे है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड इच। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसकी वर्ड लिमिट पर क्वेश्चन पर 150 वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4th का पार्ट ए है, एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ डिफरेंस। आंसर आप नीचे देख ही सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट ये है पार्ट बी, एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चनेयर। आंसर आप देख सकते हैं, आंसर लिखने की वर्ड लिमिट 150 है। यह है आपका पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 4 का, व्हाट इज बिहेवियरिटे एनालिसिस। क्वेश्चन फिर से चेक कर लिए, व्हाट इज बिहेवियरिएट एनालिसिस। आंसर आप नीचे देख ही सकते हैं। इसका पार्ट डी है, एक्सप्लेन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्टूडेंट ये है आपका आंसर। इसी के साथ स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड। आपको इनमें से 5 क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट लिखने हैं 100 वर्ड में, जिसमें पार्ट ए है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसमें पूछा गया व्हाट इज ऑपरेशनलाइजेशन। आंसर आपको नीचे दिया गया है। इसी के साथ स्टूडेंट यह है पार्ट बी, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है 100 वर्ड्स का। आंसर आपको दिया गया है। इसी के साथ स्टूडेंट यह है आपका पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 5 का, इंटरव्यू। इंटरव्यू के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। साथ ही यह है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी, मीनिंग ऑफ मोड। मीनिंग ऑफ मोड के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। यह है पार्ट ई क्वेश्चन नंबर 5 का, पार्टिसिपेटरी रिसर्च। आंसर आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड होती है। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आए हो, वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट। इसी के साथ स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टूडेंट मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगी, अगर आप या आपके किसी फ्रेंड को सॉल्व PDF एंड हैंड रिटन हार्ड कॉपी बाय करने हैं तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।